जय श्री महाकाल। चलिए आज बनाते हैं अरवी के पत्ते का पकौड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं अंजलि। चलिए आज बताती हूँ मैं आपको पकौड़ा बनाना, वो भी अरवी के पत्तों का। तो आपको अरवी का पत्ता लेना है और इनके ऊपर का ये जो पॉइंट होता है ना, वो निकाल देना है। मोटा साइज भी आपको चाकू से निकाल देना है। उसके बाद आपको लेना है, मैंने यहाँ पर चने का दाल लिया, बेसन भी ले सकते हो, उड़द की दाल का पेस्ट ले सकते हो। तो मैंने चने की दाल और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया था, इसका पेस्ट लिया था, थोड़ा सा छोटे चम्मच मैंने लिया। इस चम्मच से मैंने हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक डाला है। इनको अच्छी तरह मिला लेंगे। उसके बाद हम एक पत्ता लेंगे, उसके पर ऊपर ये पेस्ट हम लगा देंगे और दूसरा पत्ता भी हम इसी के ऊपर रखेंगे और पेस्ट लगाते रहेंगे। यानी कि हमें ना एक के ऊपर एक पत्ता रख के ये पेस्ट लगाते रहना है, बिल्कुल इस तरह से। इससे ना क्या रहेगा, हमारा पत्ता चिपक जाएगा अच्छे से और हमारा जो ये इसका पकौड़ा है ना, यानी कि अरवी के पत्ते, अगर दाल लगा देंगे तो ये खुलेगा नहीं ऑयल में भी और भाप में भी। तो इनको साइड साइड से मोड़ने के बाद बीच से इस तरह से मोड़ के रोल बना लेना है और इनको हमें भाप में पकाना है। तो मैंने टोप में पानी रख दिया था और जो छन्नी आती है ना, बीच बीच में छेद रहता है, इस पर हमने ये रख दिया और ढक दिया है। भाप में ये पक चुका है, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से। और इनको हम पीसेस में चाकू की सहायता से कट कर लिए हैं। अब हमने तेल डाला है कढ़ाई में, गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ये पकौड़े अपने, और ये हम इनको ऑयल में फ्राई करके निकाल लिए हैं। हमारा अरवी के पत्तों का पकौड़ा बनकर तैयार है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।